गांजा पी करके और दुकान लगा करके, और ये बताते हैं हम तो योगी मोदी को पृथ्वी पर कोई हटा नहीं सकता, मैं कहता हूँ। यहाँ से भी बीजेपी साफ हो गया, आप कह रहे हरियाणा भी हारेंगे। ये हमारे पास इतनी शिक्षा है, लेकिन मैं अपनी शिक्षा किसी दूसरे को देना नहीं चाहता। शासन प्रशासन यहाँ कोई नहीं सुनता, न कहीं आता है न कहीं। रात में का आपको ज्ञान दिया जाएगा, कांडो मचा हुआ है, हम लोग किसान जीने के लिए मजबूर है। उसका कोई दूसरा रोजगार का स्रोत है ही नहीं है, और उसको कौवा खा रहे हैं उसका मांस नोच नोच करके। जब से तो ये सरकार आई है तब से तो किसान सोना सो नहीं पाता है अपने घरों में। किसानों हम लोग खाना खा लेंगे, राम जी हमको दे देंगे क्या? नमस्कार, मैं हूं मोहित, और बता दूं आपकी मैं शहर से दूर गांव के करीब एक बार फिर से आ चुका हूं उन किसानों के बीच जो बहुत ही ज्यादा पीड़ित हैं जानवरों से। लेकिन उससे पहले आपको हम वाकिफ करवाते हैं इस जमीन से, जिस जमीन पर हम खड़े हैं। आपको हम नीचे दिखाने की कोशिश करेंगे कि जानवरों ने यहाँ पर किसानों की फसलों का क्या हाल बना रखा है। आपको, आप अगर जो नीचे देखेंगे तो गेहूं का एक खेत है, और इस खेत में कुछ भी बचा नहीं है। जो आवारा जानवर छूटे हुए हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, उनकी वजह से ये पेड़ इतना छोटा नज़र आ रहा है, और सिर्फ इसका साइज एक उंगली भर मात्र है। जी हाँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर ठूठियाँ ही ठूठियाँ हमें चारों तरफ नज़र आ रही हैं। जानवरों से इतना हम लोग परेशान हैं कि रातों दिन जो है उसको बचाया जाता है, फिर भी अगर मौका चूक जाता है तो पूरा खेत का खेत झुंडों में आकर के जानवर चल जा रहे हैं, और इसी चक्कर में हम लोग उपज नहीं ले पाते हैं, क्योंकि सब सारा जो है हमारी फसल को चरी जाते हैं, खा जाते हैं, तो हमारी उपज कहाँ से मिलेगी। ये जानवर रातों दिन जो है हमारे लोगों के खेतों में इतना नुकसान करते हैं कि हम लोग रातों दिन पूरा परिवार पूरा गांव सब लोग अपने अपने खेत बचाते हैं, लेकिन फिर भी हम बचा नहीं पा रहे हैं। किसानों की सबसे मेन चीज़ यही होती है, किसान निर्भर ही किसानी पर होता है, और उसी की किसानी अगर जो जानवर लोग खा जाएंगे, जानवर सारे खा जाएंगे, तो कहाँ से अपना पेट पालेंगे किसान सर? तो उसका कोई दूसरा रोजगार का स्रोत है ही नहीं है। जो अपना मेहनत करके पैसा जुटाता है वो खेती में बुआई जुताई सिंचाई में लगा देता है, अगर उसकी सारी फसल खा जाएंगे तो भूखों मरेगा ही। भैया, जहाँ बाबा प्रेमदास आश्रम पर एक भंडारा होता है 25 दिसंबर को जी, और वो हम लोग यहाँ थोड़ा उसमें आस्था में लग जाते हैं लकड़ी वकड़ी काटने के लिए जी, जी। और उसी बीच में हमारे सारे गेहूँ, इस बहुत बड़ा तांडव है यहाँ जानवरों का, चार चार तीन तीन चार चार तार लगाते हैं, जानवर कट गए हैं। आज आपको अभी चल करके अभी दिखाएं, सड़क के किनारे एक बहुत बड़ा सांड है जी, इन्हीं तारों से कटा हुआ है, और वो चल नहीं पा रहा, उसको जिंदा है भी, और उसको कौवा खा रहा है उसका मांस नोच नोच करके। आप इसी जगह चलें, हमारे बरकताबाद का जो रोड आया है जी, जी। उसी रोड के किनारे बैठा हुआ है, और काफ़ी जानवर, क्या किया जाए, ऐसा तांडव मचा हुआ है, हम लोग किसान जीने के लिए मजबूर हैं। सरकार से क्या उम्मीदें करते हैं ये जो किसान? क्या उम्मीदें करें सरकार से, कौन उम्मीद हम करें? हम जब से जानवर छुट्टा हो गए तब से तो किसान बदहाल होता चला जा रहा, इसकी भरपाई कौन करेगा सर? अब इसकी भरपाई किसान आत्महत्या करेगा, और कौन भरपाई करेगा? जब कुछ होगा नहीं तो मजबूरी है, वो मरेगा। शासन प्रशासन यहाँ कोई नहीं सुनता, ना कहीं आता है ना कहीं। लोग कहते हैं कि वहाँ, हमने कई बार, मेरे पास नंबर भी है, मैंने गौशाला वालों से फ़ोन किया, काला बाबा हमारे यहाँ जानवर नहीं पकड़े जा रहे, नहीं आएंगे, जब कभी होगा तो फिर देखा जाएगा। नहीं, सरकार कुछ किसानों के बारे में सोच रही, क्या सोच रही? कुछ नहीं सोच रही, कुछ सोचा है किसानों का क्या भरपाई कर रही? किसान क्या सिर्फ वोट लेने के लिए बना है? तो किसान का वोट हमेशा लेता रहा, जो भी पार्टी आती वो भी लेता रहता है, ये भी लेते रहते हैं, और जब से तो ये सरकार आई है तब से तो किसान सो नहीं पाता है अपने घरों में। अब बताइए, तमाम से सब मढ़ा वगैरह सब डाल डाल करके किसान इधर रातों दिन अलाव जला जला करके, हम लोग यहाँ पर सारे लोग रात में इधर उधर खेतों का फेरा लगा करके देखते हैं, टार्चे लगा करके। रात में भी आप लोग यहाँ पर देखते हैं? न कुछ न बचे, बच्चों को खाने के लिए न जाए, दाना नहीं जाए। ठंडक के मौसम में कड़ाके का ठंड, कड़ाके की ठंडक, पाला गिर रहा है। अच्छा, साथ साथ लोग अलाव जलाते हैं, दो दो लोग देखते हैं, फिर हाथ पैर सीखते हैं, ऐसा हम लोग करते हैं, तब ये फसल कहीं घर जा पाएगी, नहीं जा पाएगी। अच्छा, सरकार को एक नसीहत के तौर पे क्या कहना चाहेंगे, कुछ बताना चाहेंगे सरकार? सरकार को नसीहत यही है कि या तो इनको इनकी व्यवस्था करे, या इससे पहले हम लोग इससे संतुष्ट थे जब ये जानवर सारे हैं, कहीं सरकार के नहीं जानवर इसकी सब किसानों के ही हैं, लेकिन अब ये व्यवस्था ये हो गई कि तब कटते थे, कहीं जाते थे तो लोग बंजारे खरीद लेते थे, कसाई वगैरह खरीद लेते थे, तो उनको जानवर अपने पास रखता था और किसान बेच करके उनको दे देता था, वो लाद के चले जाते थे, कोई तांडव नहीं था, हर आदमी अपने किसान। मैं ये नहीं कहता हूँ कि सरकार ने छोड़वा दिया सरकार का, लेकिन ये चीज़ व्यवस्था अब नहीं है, जब कटना बंद हो गया तो अब ये जाएँ कहाँ से जाएँ?
बहुत किसानों का कहना है कि ये सरकार की वजह से ऐसा हुआ है, सरकार अगर जो चाहती तो ये कुछ नहीं होता, कुछ ना होता, आज भी नहीं होता। तो आपने ऐसा क्यों बोल दिया कि सरकार की वजह से नहीं, ये किसानों की वजह से? हम किसानों की वजह से ये हुआ है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जानवर जो छुट्टा है, हाँ सब किसानों के ही है, जी, जी। सरकार के नहीं है, लेकिन वो व्यवस्था बदल गई ना, वो कानून बदल गया, इसलिए जब वो जब खरीदना बंद हो गया और उनको बेचना बंद हो गया तो सारे लोग अब छोड़ दिए। अब जब छोड़ दिए, जिसका जानवर दूध जब तक देता है तब तक छोड़ देता, बेटा गाँव वाले यहाँ पढ़ेला में छोड़ जाते, पढ़ेला वाले लालता खेड़े में छोड़ जाते हैं, लालता खेड़े वाले किसी दूसरे गाँव में छोड़ देते, यही व्यवस्था लगी। सर किसकी सरकार में किसानों की बात सुनी जाती थी? जब से बीजेपी की गवर्नमेंट आई है, हाँ। तब से यही हुआ है, इसके पहले कुछ नहीं था। अच्छा, कहने का मतलब इससे पहले जो सरकार थी उत्तर प्रदेश, हाँ, के अंदर, कुछ नहीं, एक भी जानवर छुट्टा नहीं था। वो किसानों के प्रति कुछ सोचती थी सर? वो सरकार का जो व्यवस्था थी, इतना बड़ा तांडो नहीं था, जानवरों का नहीं था। अच्छा अच्छा, दंगे फसाद की हम बात कर लेते हैं, थोड़ा सा किसान के टॉपिक से हटकर, उत्तर प्रदेश के अंदर क्या चल रहा है सर? अब इस वक्त तो हम लोग तो टीवी पर देखते हैं भाई, शहर तो जा नहीं पा रहे हैं, अपने किसान यही रात दिन रहते हैं, ठीक। अब सुन रहे हैं टीवी पर, देखते हैं कि बहुत काफ़ी दंगे हो रहे हैं, फसाद हो रहे हैं लोग उसमें, और जो नहीं जा पता नहीं कितने वाहन जला दिए गए, कितना क्या कर रहे हैं, वो नागरिकता कानून ला रहे हैं। अब हम लोगों को क्या पता नागरिकता कानून क्या है, NRC क्या चीज़ है, जी। देखते हैं टीवी पर। धारा 370 हटा दी, राम मंदिर बनवाने का पूरा निर्णय ले लिया, और उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश नहीं देश के अंदर नागरिकता कानून बिल पास कर दिया, किसानों हम लोग खाना खा लेंगे, राम जी हमको दे देंगे क्या? जब सरकार से सवाल, 370 राज्य कश्मीर से हमारे लोगों का यहाँ से वीजा बन करके हम लोग कश्मीर जाएंगे, या पाकिस्तान को या श्रीनगर जम्मू कश्मीर, किसान जब यहाँ बदहाल है, अपने बच्चों को कहीं खिला सकता है तो वहाँ क्या करने जाएगा? जी, वहाँ के लोग जाने, कश्मीर के लोग जाने, 370 हटाई गई। सरकार किसकी अच्छी थी सर उत्तर प्रदेश के अंदर? भाई इससे पहले जो भी सरकारें थी, इतना बड़ा तांडव नहीं था, वो सब सरकारें ठीक थी। मतलब कि अखिलेश सरकार इससे पहले सही थी, उत्तर प्रदेश थी, वो अखिलेश सरकार भी ठीक थी, किसानों के बारे में बिल्कुल सोचती थी। हमें कुछ काम की गणना करा दीजिए सर, उत्तर प्रदेश सत्ताधारी सरकार के कुछ काम की गणना करा दीजिए, कुछ विकास के तौर पर किया है, जमीन पर कुछ आया है काम उसका सरकार का सर? हमारे यहाँ तो कुछ नहीं आया है। के आगे एक बाबा जी आए थे, 160 गायें उनके पास थी, आज वो गायें कहाँ चली गईं, और बाबा का भी लोप नहीं था, इसी जगह छोड़ दिया, इसी तरह तरफ चले गए, सब खत्म। सब गया। जय माता की, बंद करो किस्ता। बन गया राम मंदिर, हाँ। बन गया, आ गई धारा 370। मोदी को पृथ्वी पर कोई हटा नहीं सकता, मैं कहता हूँ। ये वक्त ही आपको बता देगा, इसी समय हटा अरे दिल्ली में भी सरकार अभी बनेगी देखना, और वहाँ से भी बीजेपी साफ हो गया, आप कह रहा हरियाणा भी हारेंगे, ये झारखंड के बारे में मालूम है क्या हुआ है? अभी नहीं मालूम, ये तो ये खाली सिर्फ गांजा पी करके और दुकान लगा करके, और ये बताते हैं हम तो बस योगी के हैं। अरे रोजगार नहीं होगा, बच्चा पढ़ने नहीं जाएगा, नजदीक स्कूल नहीं होगा, कुछ नहीं, विकास की बात नहीं करते हैं। अरे आपकी लड़की, हमारी लड़की, आपका बच्चा, हमारा बच्चा अगर शिक्षा नहीं प्राप्त करेगा, हमारे पास इतनी शिक्षा है, लेकिन मैं अपनी शिक्षा किसी दूसरे को देना नहीं चाहता। तो ज्ञान वो बेकार है जो ज्ञान किसी को देना चाहते हैं उसी को जो मेरे से लेना चाहे शांति। चलिए ठीक है, मुझे दीजिए सर ज्ञान, मैं आपको इस पे ज्ञान नहीं दे सकता, मैं आपके चरण छुड़ाऊंगा, मुझे ज्ञान दीजिए, मुझे ज्ञान दीजिए, मैं इस पे ज्ञान नहीं बांटता हूँ। चलिए ठीक है, मैं नीचे हो गया, मुझे ज्ञान दीजिए, यहाँ नहीं मिलेगा अंधविश्वास का, रात में का आपको ज्ञान दिया जाएगा। जैसे कि इनसे अगर पूछा जाए क्या ये आपका सर काट दिया जाए, इसमें हाथी का सर फिट कर दिया जाए, है क्या तुम्हारे पास कोई जादू, फिट कर दोगे? ऐसा कोई जादू नहीं है, ऊपर वाले बनाए हुए कला है, क्यों करते हो ये? ऊपर वाले बनाए हुए कला है, यहाँ अच्छे कर्म करिए, अच्छा फल मिलेगा, जैसे कर्म वैसे फल, कर्म प्रभाव विश्व रच रखा, जो जस के स्वतः फल चाखा, ये तो हिंदुस्तान की लड़ाई है। 2 करोड़ रोजगार कहाँ है आपके? 2 करोड़ रोजगार कहाँ है आपके? 2 करोड़ रोजगार कहाँ है आपके? हमको 1 करोड़ रोजगार नहीं मालूम, तो 2 करोड़ की बात खत्म कर रहे हैं।